प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पीएचपी के कमेंट्स और वेरिएबल्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट इन पीएचपी? पीएचपी में कमेंट का क्या पर्पस है, क्या काम है? अब देखो, कमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी करना। किसी बहुत बड़े वाद विवाद के ऊपर कोई टिप्पणी करना। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का जो काम होता है वो मैं आपको पहले जनरल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अब देखो, जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग की लाखों करोड़ों हिसाब से लाइंस लिखता है। तो वो उन कोडिंग की लाइंस की वर्किंग को याद रखने के लिए वो कमेंट लगा देता है, एक टिप्पणी कर देता है। देखो ना, कोडिंग की हम लाइंस तो लिख देते हैं लाखों के हिसाब से, तो होता ऐसा है कि जैसे कुछ महीने निकलते हैं या कुछ साल निकलते हैं ना, तो प्रोग्रामर को खुद ही याद नहीं रहता कि इस कोड से मैंने क्या काम किया था। तो वो क्या करता है कि उस कोड को एक कमेंट लगा के रख लेता है कि इस कोड से मैंने एक साल पहले या 6 महीने पहले क्या काम किया था। ठीक है, कमेंट इज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट हैज टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम। ठीक है, तो कमेंट जो है एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है प्रोग्राम में। ठीक है, ये सिर्फ होती है प्रोग्राम की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, उसको रीड करने के लिए कि इस कोड का क्या काम था। ठीक है, लेकिन ये जब आउटपुट दिखाता है ना सॉफ्टवेयर अपनी, जैसे वेबसाइट अपनी आउटपुट दिखाती है या सॉफ्टवेयर अपनी आउटपुट दिखाता है, जब हम आउटपुट लेते हैं किसी प्रोग्राम की, तो वहां पे ये कमेंट हमें नजर नहीं आते हैं। ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं क्योंकि, ठीक है। PHP has two types of comment. PHP में दो तरह के कमेंट होते हैं, एक जो सिंगल लाइन में एंड मल्टीपल कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें मल्टीपल लाइन्स में लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारा जो कोड के लिए जो हम लिखते हैं ना, उसकी जो वर्किंग लिखते हैं, कभी कभी एक लाइन में कंप्लीट नहीं होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल लाइन्स लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइन्स यूज करते हैं। चलो, अब सिंगल लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं? अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विद डबल स्लैश। ठीक है, जो सिंगल लाइन कमेंट है ना वो शुरू होता है डबल स्लैश से। देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे डबल स्लैश माय फर्स्ट वेब पेज। अब ये जो हमने लिखा ना माय फर्स्ट वेब पेज, ये सिर्फ लिखा अपने लिए। ठीक है, प्रोग्रामर ने अपने लिए लिखा, लेकिन जब आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट बिगिन विद स्लैश स्टार एंड एंड्स विद स्टार स्लैश। ठीक है, जो मल्टी, अगर मान लो कि मल्टीपल लाइन में, देखो एक लाइन ये है, दूसरी ये है, मतलब बहुत सारी लाइंस में कमेंट लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं स्लैश स्टार और बीच में सारा और लास्ट में फिर स्टार और स्लैश से क्लोज कर देते हैं। चलिए, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये हमारा ड्रीमवीवर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ही मैं पीएचपी को लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन पीएचपी, यहाँ पे क्लोज। अब मान लो यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये लिखा था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो था वो जो एचटीएमएल की वैल्यूज जो थी वो मैंने पीएचपी में होल्ड करना बताई थी। उसके लिए हमने एक कोड लिखा था, इफ इज सेट, ऐसे लिखा था पोस्ट करके, और यहाँ पे लिखा था सबमिट ऐसे, और इस तरह से क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे लिखा था, जैसे मान लो जो भी वैल्यू पोस्ट होके आ रही है नीचे से, जैसे हमारा नाम था, स्टूडेंट का नाम था, ठीक है, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, या फिर उसका आ गया फादर नेम, एफ नेम, ठीक है, क्लोज, ये क्लोज और नीचे ये क्लोज। अब देखो यहाँ पे कैसे कमेंट लगाना हमने, पहले तो इसको हम कर लेते हैं सेव। इसने तो वैसे तो एरर ही देनी है, क्योंकि इसके पास जो है ये वाली जो हमने कोड लिखी है ना, ये हमारे पास यहाँ पे है नहीं। इसके लिए मुझे HTML भी लिखना पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, HTML का भी कोड लिखना पड़ेगा, जैसे एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे, ये तो PHP का कोड है ना, PHP के बाहर, यहाँ पे एंटर योर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट।
साइज 50%, और उसका जो नेम है वो एस नेम, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर जा रही है। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज साइज 50%, नेम डी ओ बी, ठीक है, और उसके बाद है एफ नेम, एंटर योर फादर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज 50%, और यहाँ पे नेम एफ नेम, इस फील्ड का एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे हमने बना दिया इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू सबमिट, सेव, यहाँ पे लिख देते test28.php, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे हमने ये कोड लिखा और यहाँ पे ये सबमिट बटन, ठीक है, यानी कि अब प्रोग्रामर ने देखो अपनी वर्किंग के लिए कैसे कमेंट लगाना है। अब उस जैसे मान लो यहाँ पे लाखों के हिसाब से कोडिंग की लाइन होगी, है तो यहाँ पे 8-10 लाइन्स हैं, ठीक है, मान लो उसके हिसाब से एक साल निकल चुका है, उसको इस कोड की जो वर्किंग है वो भूल गई है, तो वो क्या करता है कि मुझे ये चीज़ जो है बाद में याद आ जाए एक साल बाद भी, तो वो क्या करता है इससे ऐसे कमेंट लगा लेता है। अब देखो यहाँ पे कमेंट क्या लगाएगा कि सबमिट बटन जो जब मैंने प्रेस करना, तो सबमिट प्रेस बटन को प्रेस करते ही सारी की सारी इनकी जो वैल्यूज हैं वो पास होकर इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए, तो वो ऐसे कमेंट लगाएगा, हियर इज सबमिट बटन पासिंग वैल्यूज फ्रॉम HTML टू PHP वेरिएबल्स। ये देखो ये हो गया कमेंट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम रन, ठीक है, लोकल होस्ट पे यहाँ पे 28.php, ये देखो ये बन गई सारी की सारी फील्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने कमेंट यहाँ पे लगाया ये थोड़ा दिखाई दे रहा है एग्जीक्यूशन में, ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे ना मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको कोडिंग जो है वो अच्छे से दिखाई दे, ब्रेक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगाया था मैंने कमेंट ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये कमेंट जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ है प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने क्या काम किया था, ठीक है, कौन सी कोड से क्या काम किया था, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कोडिंग की लाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये है सिंगल लाइन में, ठीक ठीक है, अगर मान लो कि ये सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है तो इसको मल्टीपल लाइन में, मल्टीपल मतलब कि मान लो यहाँ से यहाँ तक ये बाकी जो कोड है वो आगे आना चाहिए इस तरह से, ये कमेंट जो है बाकी आगे आना चाहिए, तो वो ऐसे लगा देता है फिर इस तरह से, ये मल्टीपल लाइन्स में हो गया ये कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ये देखो नॉन एग्जीक्यूटेबल है, नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस कोड का क्या काम है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी वेबसाइट के लिए, अपने सॉफ्टवेयर के लिए कमेंट्स का यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, जो चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं, जो बदलती हैं, ठीक है, उनको हम वेरिएबल्स बोल देते हैं। अब वेरिएबल कंटेन और स्टोर अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल क्या काम करते हैं, वेरिएबल कंटेन और स्टोर अ वैल्यू, वेरिएबल अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं दैट कैन बी चेंज, जिन्हें बदला जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। द वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग डॉलर साइन कीवर्ड इन PHP।
अब जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं डॉलर साइन के साथ पीएचपी में, ठीक है। पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स की जो डिक्लेरेशन की जाती है ना, वेरिएबल्स को जो शुरू किया जाता है ना, तो वो डॉलर साइन से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया हुआ है डॉलर साइन ए और साथ में सेमी कॉलन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। अब इसमें कुछ एक रूल्स भी रहते हैं वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के लिए, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। फर्स्ट रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड ओनली लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर करेक्टर एंड डॉलर साइन, ठीक है। अब वेरिएबल का जो नाम है ना, उसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं ए टू जेड अल्फाबेट जो है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर करेक्टर हो सकता है और डॉलर साइन यूज हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल के नाम में हम इन चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड इसका जो रूल है, अ वेरिएबल नेम स्टार्ट विद डॉलर साइन, वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा डॉलर साइन से ही शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पीएचपी में, यहाँ पे इस कोड को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पीएचपी, ये पीएचपी क्लोज और ये पीएचपी का ब्लॉक ऑफ पीएचपी कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये डॉलर साइन ए इज इक्वल टू 20 और ये इको कर दिया मैंने ए को डिस्प्ले किया मैंने, ब्राउजर के ऊपर भेजा मैंने, ठीक है। सेव और ये रिफ्रेश, ये देखो ये आ गया 20, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो डॉलर साइन से शुरू होता है, अगर डॉलर साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो ये हमें देगा एरर, पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो वेरिएबल जो शुरू होगा पीएचपी में हमेशा डॉलर साइन से, ठीक है। ये थर्ड है इसका रूल, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, वेरिएबल का जो नाम है ना वो नंबर से शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ना कैन इंक्लूड ओनली लेटर्स, नंबर, लेकिन नंबर जो है ना नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं, बीच में लेटर्स के साथ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ना ए लिखा हुआ है ना, अगर मान लो हम वेरिएबल को बाई नंबर लिखते हैं, ठीक है, कि 12 है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेरिएबल नेम नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। ये देखो एरर, टी एल नंबर एक्सपेक्टेड टी वेरिएबल और डॉलर साइन, ये देखो ये इस तरह की एरर देगा, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम जो है ना अल्फाबेट से ऐसे लिख सकते हैं, A21 लिख दिया, ठीक है, तो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे भी हमें A21 लिखना होगा, ठीक है, वेरिएबल नेम, ये इसको ये देखो, ठीक है। तो वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से शुरू नहीं होगा। फोर्थ रूल है इसका, अब वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव, वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव है, मतलब जो लेटर्स हैं अगर वो उसको कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में ही उसको पूरे स्कोप में यूज करना होगा, अगर स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में यूज करना होगा, ठीक है। तो वेरिएबल का जो नाम है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ये डॉलर साइन ए एंड डॉलर साइन कैपिटल लेटर में ए आर द डिफरेंट वेरिएबल, ये दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे A21 यूज किया ना, अब यहाँ पे लिख देते हैं A21 इस तरह से, ये कैपिटल, देखते हैं फिर प्रैक्टिकली क्या करता है। ये देखो अनडिफाइंड वेरिएबल A21, यानी कि वेरिएबल का जो नाम है ना वो मस्ट बी यूनिक विद इन द सेम स्कोप, सेम होना चाहिए, यहाँ पे A21 तो यहाँ पे भी स्मॉल में ही A21 होगा, ठीक है। ये देखो, तो ये वेरिएबल्स के रूल्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये एक एग्जांपल है सिंपल सा, यहाँ पे दिया हुआ है देखो पीएचपी में ए इज इक्वल टू 50 और बी के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में जो लिखते हैं ना वो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। फिर इको करवा दिया ए और इको करवा दिया है बी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इन पीएचपी, पीएचपी में वेरिएबल का जो क्षेत्र है उसको डिफाइन करें, वेरिएबल पूरे के पूरे प्रोग्राम में कैसे कैसे एक्सेस होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल डिटरमिन्स दैट इन विच सेक्शन और पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, ठीक है। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल का जो क्षेत्र है
determines that या ज्ञात करता है कि in which section or part of a program a variable is accessible, कि प्रोग्राम के कौन से सेक्शन और पार्ट में वेरिएबल जो है वो accessible है, काम कर रहा है, ये काम करता है, ठीक है। PHP support three types of variables. अब PHP जो है वो तीन तरह के variables को support करती है, local, global and static variables, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं local variables क्या होते हैं। A variable which is declared inside a block or function of a program is called local variable, ठीक है। अब local variable कौन से होते हैं, देखो, variable which is declared inside a block or function of a program, एक variable जो declare किया जाता है किसी function या block के अंदर प्रोग्राम में, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब लोकल देखो, यहाँ नीचे एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगी और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज हो गई, और बीच में जो ये बना इसको बोलते हैं हम ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ब्लॉक और फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, ये फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, PHP का ये प्रोग्राम का एक फंक्शन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर ही हमने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसको यूज किया, ठीक है। तो इस वेरिएबल को बोलेंगे हम लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, यहाँ पे ही काम करेगा, यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। दीज वेरिएबल कैन बी यूज इन दैट ब्लॉक और फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इन विच दे आर डिक्लेयर, ठीक है। तो ये वेरिएबल उस ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम में यूज होते हैं जिसके अंदर ये डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ही डिक्लेयर हुआ और यहाँ पे ये यूज हो रहा है, इसके बाहर इसे इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये जो हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, यहाँ पे हम इस फंक्शन को कर रहे हैं डिक्लेयर, फंक्शन फर्स्ट, और ये बन गया ब्लॉक ऑफ कोड वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ पे a इज इक्वल टू 25 लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको इको करवा दिया, ठीक है। तो ये है लोकल वेरिएबल, इसको लोकल बोलेंगे हम, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है। अब जब इस फंक्शन को हमने कॉल करनी है ना, इसको अगर दिखाना होगा ना, हमने प्रिंट करना होगा, तो अभी नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर है, ठीक है। फंक्शन की एग्जीक्यूशन का सिस्टम अलग होता है, इको से तो ये दिखाता है ना डिस्प्ले, लेकिन अब ये फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन को हमें अलग से बुलाना पड़ता है काम के लिए। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ ना, तो रन करने के बाद ये कुछ भी नहीं दिखाएगा फिलहाल, तो ये देखो बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे ऐसा होता है फंक्शंस में, फंक्शन में हमें कॉल करना होता है, ये फंक्शन है ना फर्स्ट नेम से, ये फंक्शन है और इसका नाम है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नाम है इसका। अब देखो इसको जब तक हम कॉल नहीं करेंगे, और कॉल होती है फंक्शन के बाहर, ठीक है, प्रोग्राम, इनकी फंक्शन को हम कॉल करते हैं प्रोग्राम में बाहर कहीं पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको रन, ये देखो 25। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब था कि मेरा जो मेन मोटिव था आपको बताने का, पूछा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स, इसी फंक्शन के अंदर ये यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड वेरिएबल के ऊपर, सेकंड है ग्लोबल। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ब्लॉक और फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब ग्लोबल कौन से होते हैं, देखो ना, जो लोकल था ना उसको हम प्राइवेट भी बोलते हैं, एक ही फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर हो जाते हैं, यूज होते हैं, उनको हम ग्लोबल बोलते हैं, ठीक है ना। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। अब जो वेरिएबल जो है वो जो फंक्शन है या ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम है उसके बाहर जो हम उनको डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं, तो उनको हम ग्लोबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम PHP में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, एक यहाँ पे डिक्लेयर किया और एक यहाँ, ठीक है, एक ही बार ये वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया। अब देखो ए बी और सी है, अब देखो फंक्शन एक बनाया हमने फर्स्ट नेम से, यहाँ पे इन वर्ड इन वेरिएबल्स के साथ हमने लिख दिया ग्लोबल वर्ड। अब ये ग्लोबल है मतलब ये इस फंक्शन के बाहर भी इनको हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ये देखो ए बी सी, यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इको एडिशन इज इक्वल टू, ये देखो सी,
यहाँ पे भी यूज हो गए। अब देखो एक और फंक्शन बना लिया हमने, फंक्शन सेकंड, इसके अंदर भी इन्हीं वेरिएबल्स को देखो यहाँ पे भी यूज किया फंक्शन में, आउट ऑफ द फंक्शन, आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी यूज किया। अब इन्हीं वेरिएबल्स को हमने सेकंड फंक्शन के अंदर भी यूज किया, ग्लोबल ए बी सी। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करवा दी और लास्ट में दोनों फंक्शन को कॉल की, फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन सेकंड, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के बाहर भी यूज हो रहे हैं। अगर अंदर ही यूज होते तो कौन से थे, ये अंदर ही यूज होते तो ये कौन से थे, लोकल या प्राइवेट बोलते हैं तुमको फिर, ठीक है। लेकिन ये बाहर भी यूज हो रहे हैं तो ये कौन से हुए, ग्लोबल, लेकिन इनके साथ हमें ग्लोबल वर्ड लिखना पड़ता है। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं पहले तो इसको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है, यहाँ खाली कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वेरिएबल्स डिक्लेयर ए इज इक्वल टू 20, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ एक फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई एन, फंक्शन फर्स्ट नेम से आ गया एक, ठीक है, ये बन गया इसका ब्लॉक। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ग्लोबल, ये ए और ये बी और ये सी वेरिएबल्स, ठीक है। ये हो गए वेरिएबल्स की डेक्लेरेशन ग्लोबल के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, एडिशन करवाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इको ए डबल डी आई टी आई ओ एन एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे हम सी, ठीक है। ये हो गया एक फंक्शन, इनको हमने यहाँ पे भी यूज कर लिया। अब देखो एक और, जितने मर्जी आप फंक्शंस बना लो, अब प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यही रहेंगे और इनके अंदर हम इनको यूज करते जाएंगे, तरह तरह के फंक्शंस इनके ऊपर परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो फंक्शन हमने बना दिया यहाँ पे सेकंड नाम से, ठीक है, ये सेकंड हो गया, यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे ग्लोबल वर्ड ए बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी बी, अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन करवाई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे करवा दिया इको एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई एन मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू और यहाँ पे फिर सी, ठीक है। दो काम कर लिए हमने वेरिएबल्स को एक बार डिक्लेयर करके, तो ये काम है ग्लोबल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने करना फंक्शन को कॉल, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड को बुलाया हमने यहाँ पे, ठीक है, सेकंड। चलिए अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखो एडिशन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 500, ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 500। तो इस तरह से जो है हमारे वेरिएबल जो है वो ग्लोबल होते हैं, इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल्स काम करते हैं। चलिए अब चलते हैं वेरिएबल्स की तीसरी टाइप की ओर, तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल्स। अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इन ए लोकल फंक्शन स्कोप बट इट डज नॉट लूज इट्स वैल्यू आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अदर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल लूज देयर वैल्यूज आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या जो मेन काम रहता है प्रोग्राम में, अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इन ए लोकल फंक्शन स्कोप, ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना ये लोकल फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, बट इट डज नॉट लूज इट्स वैल्यू, परंतु एक बात है कि ये अपनी वैल्यू को कभी भी खोते नहीं, इनकी वैल्यू कभी भी लॉस्ट नहीं होती है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बट एंड अदर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, और बाकी जो जिनके साथ हम स्टैटिक वर्ड यूज नहीं करेंगे ना लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ, दे विल लूज देयर वैल्यू आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो वो अपनी वैल्यू जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद खो देंगे, लॉस्ट हो जाएगी उनकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, देखो पीएचपी फंक्शन फर्स्ट, इसमें स्टैटिक वर्ड यूज किया हमने वेरिएबल के साथ और इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इको किया ए को और यहाँ पे डॉलर साइन ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मतलब मैंने आपको प्लस वन में भी समझाया था, ठीक है, प्लस प्लस का होता है मतलब एक की इंक्रीमेंट, एक ऐड हो जाएगा, जैसे अभी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है जीरो, जीरो में एक ऐड हो जाएगा तो एक, ठीक है, इसी तरह से फिर एक में एक ऐड हो जाएगा तो दो, फिर दो में एक और ऐड हो जाएगा तो तीन, ठीक है,
इसी तरह से ये काम करेगा। ये देखो फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल की, जब फर्स्ट टाइम जो इसकी वैल्यू है जीरो, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगी जीरो, लेकिन जब सेकेंड टाइम इसको कॉल करेंगे ना, तो ये अपनी यहाँ पे स्टैटिक वर्ड का तो मेन वही चीज़ है कि अपनी वैल्यू नहीं खोता है। जैसे हम इसमें प्लस प्लस कर देंगे ना, एक ऐड कर देंगे, तो सेकेंड टाइम ये एक ऐड कर लेगा, फिर एक को ये होल्ड करके रखेगा अपने अंदर, क्योंकि स्टैटिक वर्ड यूज किया हुआ हमने, होल्ड करके रखेगा क्योंकि ये वैल्यू नहीं खोता है। फिर थर्ड टाइम जब हमने इसको कॉल किया तो ये एक में फिर प्लस कर देगा एक, तो यहाँ पे होगा जीरो वन और यहाँ पे टू। ये काम स्टैटिक का, अगर स्टैटिक वर्ड नहीं यूज करेंगे ना तो जीरो यहाँ पे जीरो जीरो आएगा फिर। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं फंक्शन से ही, फंक्शन वर्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक, यहाँ पे वेरिएबल या ए जीरो। ठीक है, और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ए को इको। ठीक है, ए को मैंने यहाँ पे इको करवा दिया, और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट करवा दी ए के अंदर एक की, ए प्लस प्लस मतलब एक की इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फंक्शन को कॉल फर्स्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली भी इसको साथ में देखते चलते हैं। ये देखो जीरो आ गया। ठीक है, ये आ गया जीरो, क्योंकि ए की वैल्यू शुरू में है जीरो। अब सेकेंड टाइम जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जीरो को होल्ड करके रखेगा और उसमें क्या कर देगा, ए प्लस प्लस एक को ऐड कर देगा। ठीक है, ये देखो सेव रन, ये देखो आ गया जीरो वन। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइम फिर से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ एफ आई एस टी फर्स्ट। अब देखो एक इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ये देखो टू आ गया। मैं ना इसको आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है ना, ये वैल्यू जो है बार बार यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ब्रेक, ब्रेक का पता है ना आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए ब्रेक लगाते हैं हम। देखो जीरो वन टू, अगर फिर से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो दो को होल्ड करके रखा हुआ है इसने। ठीक है, ये देखो आ गया तीन, तो ये हो रहा है पॉसिबल क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक वर्ड यूज किया हुआ, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है अपनी वैल्यू नहीं खोते हैं। अगर हम स्टैटिक वर्ड हटा देना यहाँ से तो देखो क्या होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं जीरो 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 जीरो। तो स्टैटिक का जो मेन फंडा है वेरिएबल्स के अंदर, तो वो ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यूज को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।